फिल्म से जुड़ के कैसा लग रहा है? सी इट्स ए के बीर प्रोजेक्ट, सो आई मीन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई ऐसा होगा जो जुड़ के एकदम ज़्यादा खुश ना हो, हैप्पी ना हो. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोजेक्ट. एंड कहानी भी ऐसी है, लाइक इट्स अ स्टोरी अबाउट जो साइकोलॉजिकल जर्नी होती है कैरेक्टर की, वो है रादर देन जो आपके साथ सर्कमस्टेंसेस होते हैं. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट, और डिफरेंट बोलने के लिए नहीं है, इट्स अ जर्नी विद इन, जो किताबों में पढ़ने में अच्छी लगती है पर उसको जब सिनेमा में दिखाया जाता है एज अ फिल्म, इट इज़ अ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग टू डू एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाट वी हैव अटेम्प्टेड फॉर दिस फिल्म. सो वेरी वेरी हैप्पी. ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना डिफरेंट कैरेक्टर करेंगे उतनी अच्छी उनकी एक्टिंग क्वालिटी पता चलेगी. और जैसे कि हमने 20 साल के साथ काम किया है, तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही चैलेंजिंग था, जिसमें मैं दो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. तो एक कैरेक्टर जो है बहुत ही अम्बल है, बहुत ही स्वीट कैरेक्टर है, और दूसरी बहुत ही लाइवली कैरेक्टर है. तो दोनों कैरेक्टर को प्ले करने में मुझे बहुत ही मज़ा आया. और बाकी जैसे डायरेक्टर का गाइडेंस था, और उन्होंने जैसे हमें स्टोरी नैरेट किया था, तो उस हिसाब से बहुत ही मज़ा आया काम करने में. चीते वगैरह बहुत थे आसपास, तो उसके लिए वॉचर वगैरह छोड़े हुए थे. और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये फिल्म मिलना सोने पे सुहागा वाली बात हो गई. एक तो फर्स्ट फिल्म और सेकंड लीड, और ऊपर से एक वीर सर के साथ, और ऊपर तो से शेर और चीते. हाँ, बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया ये फिल्म को बनाने के लिए. हमें 1.5 साल लगा ये फिल्म को बनाते बनाते, इसलिए आज हम खुश हैं कि ये फिल्म एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जा रहा है, और इंटरनेशनल सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन में इसको हम स्क्रीन कर रहे हैं, तो बहुत खुश हैं. जरूर, जब हम जितने स्ट्रगल से फिल्म बनाते थे, और जो हमें लगता था कि इतना मेहनत का बाद जरूर ऐसा एक फिल्म बनेगा जो इंटरनेशनल. It's a pleasure to be here and being with you all. I do get very inspired of doing a film like this. But this film actually originated about 4 years back when I was reading Upanishad. And from the Upanishad, one chapter, it mentions about life and breath and how it is so strongly bound that nobody has got the right to even snatch it, any one of these. And if at all it happens, then it will be a grave injustice to nature. And especially as the film is concerned, the basic theme is it's a manifestation of a young, educated mind's response to a situation which is unlawful. And when this strikes the boy directly, at a very personal level.